हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के ये दो दिग्गज स्टॉक बहुत ही तगड़े स्टॉक्स हैं और दोस्तों यहां पे कभी भी आपको कोई भी डिप का जो मौका है उसको मिस नहीं करना चाहिए। यानी कि ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हमेशा होना चाहिए और जब कभी भी यहाँ पे कोई भी बड़ी गिरावट आती है या जब कभी भी आपको लगता है कि 5-10% की अच्छी खासी गिरावट यहां पे आ चुकी है तो धीरे धीरे करके इसको अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो ट्रेंड है वो लगातार अपटिक में होता हुआ दिखाई देता है और लगातार ये जो स्टॉक्स है वो आपको ऊपर का डायरेक्शन बनाते हुए दिखाई देंगे और आगे चल के हो सकता है आपको ये बहुत ही बड़ी रैली जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे। निफ्टी में जिस तरीके से दोनों स्टॉक की एंट्री हो चुकी है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का और बड़े इन्वेस्टर्स का भी जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे देश में अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की तो लोग इतने ज्यादा अनभिज्ञ थे पहले, लेकिन अब सब में थोड़ी अवेयरनेस आती हुई दिख रही है तो आगे चल के इनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। खासकर आपने आज देखा है एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के बारे में, तो एसबीआई लाइफ के स्टॉक में आज के दिन एक तगड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी। लगभग 3% का तगड़ा उछाल जो था आज के दिन एसबीआई लाइफ में देखने को मिला। 877 पे जो है इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है, 3% स्टॉक ऊपर था। कल के दिन की क्लोजिंग थी 850 के आसपास की। और अगर आप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देखोगे तो आपको 52 वीक हाई अगर हम बात करते हैं 1020 के आसपास का लगा था 24 जनवरी को, और आपको देखने मिलेगा कि अभी भी ये स्टॉक 877 के आसपास काम कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से अगर आप गिनते हो तो कम से कम 14-15% की गिरावट अभी भी इस स्टॉक में, यानी कि अभी भी इसने अपने पुराने हाई को रिटेस्ट नहीं किया। लेकिन वही अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ की तो लगभग 650 के आसपास का उसका 52 वीक हाई था, जिसको उसने निकाल के 690 के आसपास का 52 वीक हाई बनाया और अब फिर से कहीं ना कहीं वो थोड़े से डाउन ट्रेंड में आके कंसोलिडेट होने की कोशिश हो रहा है। लेकिन 52 वीक लो की अगर हम बात करते हैं एसबीआई लाइफ की तो 519 रुपए के आसपास का था, जहां से निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दी। टोटल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज अच्छे खासे वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए स्टॉक में, लगभग 20-21 लाख शेयरों के। और अगर आप सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन की बात करोगे आज के दिन तो 42% की डिलीवरी परसेंटेज जो है आज के दिन यहाँ क्लॉक हुई है, लगभग 21 लाख शेयरों में लगभग 8,78,000 शेयरों की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे आज के दिन लोग उठाते हुए दिखाई दे। तो 41-42% की डिलीवरी परसेंटेज तो यहाँ पे अच्छा खासा एक्युमुलेशन जो है इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सीधे इस स्टॉक को चार्ट में जाके तो आपको देखने को मिलेगा कि एक वक्त था जब पिछले साल 2020 की शुरुआत के इस साल में लगभग लगभग ये 1,000 रुपए के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एक तेज गिरावट आई थी लेकिन रिकवरी में इस स्टॉक ने रिकवरी तो की लेकिन अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे नहीं तोड़ा था, और उसके बाद यहाँ पे लगभग लगभग ये स्टॉक रिकवरी में 900-920 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था लगभग अगस्त के आसपास में, जुलाई अगस्त में शुरुआत में। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखला, लगभग 920 से लेके स्टॉक 760 के आसपास तक करेक्ट होता हुआ दिखा। लेकिन अब आप यहां पे अगर चार्ट पे ध्यान से नजर डालोगे तो एक बॉटम बनाने के बाद एक रिकवरी का फेज जो है वापस हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनने की शुरुआत हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने की ट्रेड में कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो सबसे पहला जो नियर टर्म टारगेट होगा इस लेवल से, अगर 877 के लेवल पे आज क्लोजिंग आई है तो पहला टारगेट सबसे पहला अगर आप मोटा मोटी मानते हो 910-920 का, आप तो यहाँ पे ध्यान के रख के चलो जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहाँ पे ये जुलाई अगस्त के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया था, तो यहाँ पे आपको हो सकता है सबसे पहले ये टारगेट के आसपास आता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस की बात है तो अगर आप यहाँ पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे अगर ट्रेडिंग पोजिशन है तो 830 रुपए के आसपास का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे की तरफ होना चाहिए। हालांकि लंबा स्टॉप लॉस है, आप और छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आज के लो का या फिर यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल है जो कि गिरावट की थी वहां पे लगभग 845-846 के आसपास का वहां पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है तो आप यहाँ पे हर डिप पे यहाँ पे बाई करने की सोच सकते हो, और आपने देखा कि किस तरीके से 760 से 860 तक की एक तेजी आई थी, उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 20-30 रुपए कंसोलिडेट किया, गिरावट देखने को मिली, यहाँ पे फिर से रिवर्सल की कोशिश हुई और इसने आज का दिन जो हाई निकाला अपना 765 का, उसके बाद यहाँ पे एक और अच्छी खासी तेजी बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 920 को पार करेगा ये फिर से अपने 1,000 रुपए के लेवल को छूने की डेफिनेटली कोशिश करेगा।
ये तुरंत का तुरंत नहीं होगा, हो सकता है आपको 1 महीने 2 महीने यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे, लेकिन डेफिनेटली ये लेवल भी टच होते हुए दिखाई देंगे और उसका ये लेवल पार भी होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा गिरावट की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। अब आप यहाँ सोचोगे कि फिर से ये स्टॉक कहीं ना कहीं 400-500 रुपये में आके मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा तभी होगा जब मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश फिर से उसी टाइप का आया जैसा कि मार्च में आया था। तो अगर आपको लगता है कि वैसा क्रैश आने वाला है तो आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा क्रैश अब फिर से नहीं आएगा तो ये स्टॉक भी उतनी आसानी से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि क्रैश आएगा तो भी ये नीचे जल्दी नहीं आएगा। तो बिना क्रैश के इस स्टॉक को नीचे लाने के तो आप भूल भी जाओ। लेकिन अगर हम बात करते दूसरे दिग्गज बड़े स्टॉक की इसी सेक्टर के HDFC लाइफ के बारे में, तो आपको यहाँ पे एक अलग ही सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस स्टॉक में ट्रिपल टॉप का एक पैटर्न बना था जिसने आपने देखा कि लगभग 3 बार यहाँ पे जाके स्टॉक अटकने की कोशिश की थी 650 के आसपास, 645, 650, और जैसे ही वो लेवल निकलता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद स्टॉक में 690 रुपये तक के लगभग हाई जो थे वो बनते हुए दिखाई दिए। तो आपने देखा कि मार्च में गिरावट से पहले जो लेवल थे उस लेवल को HDFC लाइफ ने तो निकाल दिया, लेकिन SBI लाइफ के स्टॉक ने अभी तक वो लेवल को भी टच नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं HDFC लाइफ ने SBI लाइफ को आउट परफॉर्म किया, ये सही बात है। और दोनों ही स्टॉक अपने सेक्टर के दिग्गज है, दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के, और दोनों की बिजनेस में तगड़ा वैल्यूएशन आता हुआ आपको दिखाई देता है। हालांकि HDFC लाइफ का जो बिजनेस से उसको ज्यादा प्रीमियम मिलती है SBI लाइफ की तुलना में। आप पी रेशियो भी चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आपको HDFC लाइफ का ऑलमोस्ट 80-90 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन वही आपको 50-55 के आसपास का पी रेशियो जो है SBI लाइफ में देखने को मिलता है। लेकिन अब HDFC लाइफ में ऊपरी लेवल से 690 के हाई लगने के बाद पिछले 4-5 दिनों से गिरावट की कैंडल बनती दिख रही है, हर दिन अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश हो रही है। तो आपने देखा था कि जिस तरीके से इसमें गैप अप होती हुई दिखाई दी थी, एक बड़ी लॉन्ग कैंडल बनी थी जिस दिन ब्रेकआउट आया था, तो चार्ट पे कहीं ना कहीं कुछ गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक जो है नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो आपके लिए यहाँ पे जो सबसे स्ट्रांग जोन है, जिस जोन के आसपास आपको यहाँ पे बाई करने की ट्राई करनी चाहिए, या फिर जो जोन आपके लिए बाई जोन हो सकता है, वो जोन दोस्तों आपके लिए होगा लगभग 610 से 630 के आसपास का जोन, जो कि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल भी बनता हुआ दिखाई, जो रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट बनेगा, यानी कि 610 से लेके 630 के आसपास का जो रेंज है दोस्तों, अगर इस रेंज के बीच में आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली एक एक्युमुलेशन जोन होगा। यहां कहीं पे आके अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है, रुकता है और उसके बाद फिर से रिवर्सल की कोशिश होती है, तो आपको फिर से नए हाई जो है वो लगते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों यहां पे मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 2-4 सालों के बाद आपको ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1000-1200 के भाव के ऊपर भी मिलता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों यहां पे पैसा डबल होने की भी गारंटी होगी, आज से 2-4-5 साल के बाद ये पैसा आपका डबल करेगा, यानी कि आप अगर बैंक में FD करते हो तो आपको यहाँ पे 5 से 5.5% का ब्याज मिलता है, यानी कि अगर उसके हिसाब से आप 10 साल भी बैंक में पैसा रखोगे तो शायद आपके पैसे डबल नहीं होंगे। तो अगर इन टाइप के क्वालिटी स्टॉक्स में आप अपने पैसे रखते हो जहाँ पे गिरावट की तुलना कम है लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, दिग्गज नाम है, यानी कि बड़े ग्रुप के बड़ी कंपनियों में आपके पैसे हैं, तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स में अगर आप अपने पैसे डालते हो, कभी भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कभी भी कोई ज्यादा घाटा देखने को नहीं मिलता। अब डिपेंड ये करता है कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन कितना बड़ा है। यहाँ पे आप 4 साल 5 साल का व्यू रखते हो तो मार्केट में कोई गिरावट आए, तेजी आए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका व्यू ही मुश्किल से 10 दिन 5 दिन का है या कुछ घंटों का है कि यहाँ इस घंटे में गिरावट आ गई, मैं बर्बाद हो गया या यहाँ पे तेजी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसका कोई बड़ा उसका हल नहीं है। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे जिस तरीके से रिकवरी आई थी HDFC लाइफ के स्टॉक में लगभग 650 तक, और उसके बाद 2-3 महीने तक स्टॉक निचले लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा था। तो बहुत से लोगों के यहाँ फ्रस्ट्रेशन होगी कि ये स्टॉक चल नहीं रहा है, मार्केट रोज चल रहा है लेकिन ये स्टॉक बढ़ नहीं रहा, अच्छा स्टॉक है फिर भी नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि निचले लेवल से फिर 550-560 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और एक तरफा यहाँ पे चाल दिखाई लगभग 690 तक की, तो पूरे रिएक्शन जो थे यहाँ पे लगभग 20-25% के रिटर्न जो थे पिछले महीने आपको आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे अब कंसोलिडेशन हो रहा है, हल्की गिरावट आ रही है, तो इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में आप लोगों को लेना चाहिए। और जब कभी भी स्टॉक नीचे के लेवल पे देखने को मिलते हैं तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि इसके जो भी हाईएस्ट लेवल है वो तो कम से कम इसके लिए आपको टारगेट बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपने ऊपर से उतने नीचे भाव पे उस स्टॉक को खरीदा, यानी कि 690 का हाई है, और अगर आपने इसको 630-620 के आसपास खरीदा तो आप समझ के चलिए कि कम से कम आपका जो टारगेट होगा वो 10% का ऊपर होगा, यानी कि आपको वहां से कम से 10 से 12% का जो रिटर्न है मिनिमम मिलेगा, क्योंकि आपने वो लेवल देखे और उसके बाद वो जब नए लेवल निकलेंगे तो आपको और भी तगड़ा मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा, और आगे चल के आपके लिए वो जो लेवल निकलेगा वो आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा, नहीं कि आपका स्टॉप लॉस लेवल भी वही लेवल बनता हुआ दिखाई देगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।